एक छोटा सा बदलाव बड़ी सफलता का कारण होता है और उसी कारण को तलाशता हुआ ये वीडियो सिंह राशि के जीवन में समर्पित है। अक्टूबर 2024 को लेकर कैसा होगा अक्टूबर का महीना, कौन सी सौगात मिलने जा रही है, कौन से बदलाव होने जा रहे हैं, क्या उपाय करना है, एक एक बारीकियों को हम समझने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे बड़ा परिवर्तन जो होगा ठीक 3 अक्टूबर का दिन आता है जब, तभी शनि देव महाराज एक ऐसे नक्षत्र पर परिवर्तन करेंगे जो कि राहु का नक्षत्र है और शनि देव इस समय पर आपके सप्तम भाव पर चल रहे हैं जबकि राहु इस समय पर अष्टम भाव पर विद्यमान है। सप्तम भाव पर शनि का वक्री अवस्था पर भी चलना कैरियर के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से एक अनुकूल समय निकाल करके आपको देगा क्योंकि इनका प्रभाव एक घर पीछे भी है, छठे भाव पर है। इसलिए नौकरी में अभी भी आपके पास एक अच्छा विकल्प मौजूद है जहां पर शनि देव आपका समर्थन, आपका साथ देते हैं। हालांकि जब ये राहु के नक्षत्र पर गोचर करेंगे तो एक बड़े परिवर्तन के समय को आप इसे मानिएगा जिसका प्रभाव अभी तक ही नहीं बल्कि इसका प्रभाव 27 दिसंबर सन 2024 तक रहेगा। राहु ठीक अष्टम भाव पर मौजूद है, शनि से एक घर आगे है, अर्थात कोई बड़े बदलाव हमारे कर्म क्षेत्र पर, हमारे करियर पर देखने को मिलेगा। इसके पश्चात जो दूसरा अवसर प्राप्त होता है ठीक 9 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति जो चल रहे हैं आपके ठीक कैरियर के भाव पर, दशम भाव पर चल रहे हैं। अब यहाँ पर एक अच्छी बात ये हो गई कि सिंह राशि के योग कारक हैं और 9 अक्टूबर को ये वक्री हो जाएंगे। जैसे ही ये वक्री होते हैं एक भाव पीछे का परिणाम देंगे, अर्थात आपको साथ मिल गया भाग्य का और साथ मिल गया अपने कर्मों का। जो आप कर्म कर रहे हैं उसी में एक सफलता का श्रेय दिलाएगा आपका किस्मत, आपके ईश्वर। बस तेरा सहारा काफ़ी है, दुनिया का सहारा क्या लेना, ये बात चरितार्थ होगी 9 अक्टूबर से। भाग्य का सपोर्ट मिलना, पिता का सपोर्ट मिलना, साथ ही साथ उच्चाधिकारियों का सपोर्ट मिलना, ईश्वरी कृपा मुझे प्राप्त होगी, नवम भाव यहाँ पर जागृत हो रहा है और जिसके प्रभाव से मेरे कार्य क्षेत्र में मुझे उन्नति मिलेगी क्योंकि देव गुरु बृहस्पति का जो साम्राज्य है वो बहुत बड़ा है और वही जहाँ पर उपस्थित होते हैं उस भाव को अत्यधिक बड़ा बनाते हैं जो कि आपके कैरियर भाव पर ये प्रतिष्ठित हैं। इसलिए गुरु का ये वक्रत्व अवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण योग दिलाएगा आपको। इसके बाद चलते हैं अगला जो परिवर्तन होगा ठीक 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को एक परिवर्तन होता है जो 29 अक्टूबर तक ये प्रभावी रहेंगे, बुध का प्रभाव देखने को मिलेगा, अर्थात आपके धन के स्वामी धन भाव से निकल करके एक घर आगे पराक्रम के भाव पर चले जाएंगे। अच्छी बात ये रहेगी कि अपने मित्र की राशि पर ये जाएंगे, अर्थ भाव के से अर्थ भाव पर रहेंगे, अर्थात कोई बड़ा धन लाभ का इनकम मिल सकता है, कोई बड़ा धन लाभ का योग बन सकता है। इस समय पर आप कुछ यात्राएँ करते हैं, कुछ एग्रीमेंट हो सकता है, जो लोग स्पोर्ट्स में हैं स्पोर्ट्स संबंधी कार्यों में उन्हें सफलता मिलेगी, मार्केटिंग या शेयर मार्केट से युक्त कोई काम कर रहा है या फिर ऑनलाइन संबंधी कार्यों में आप संलग्न हैं, तो बुध धन के स्वामी होकर के तीसरे में आ रहे हैं, मतलब मेरा धन वहां से मुझे प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद अगला परिवर्तन आएगा ठीक एक डेट आता है 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को जो शुक्र देव इस समय पर चल रहे हैं तीसरे घर पर, एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, अर्थात चतुर्थ भाव पर शुक्र का गोचर हो जाएगा। शुक्र को माना गया है धन, शुक्र को माना गया है प्रेम, अर्थात चतुर्थ भाव पर रहेंगे, इस समय पर पारिवारिक प्रेम बहुत मजबूत रहेगा, परिवारजनों का सपोर्ट मिलता है, आप भी अपने परिवारजनों को सपोर्ट कर पाते हैं क्योंकि चतुर्थ भाव यहाँ प्रभावी होगा। शुक्र यदि धन है तो चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी है, कोई भूमि कोई भवन संबंधित कार्यों से धन की प्राप्ति भी यहाँ पर दिख सकती है। अगला जो प्रभाव आएगा 17 अक्टूबर को, इसे विशेष ध्यान दीजिएगा ये योग को, क्योंकि 17 अक्टूबर एक ऐसा डेट रहेगा, 17 अक्टूबर को सूर्य नीच राशि पर प्रवेश कर जाएंगे और वो रहेंगे ठीक है यहाँ तीसरे घर पर। अब तीसरे घर पर सूर्य का नीच का होना अपने साहस पराक्रम आपके स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन एक प्लस पॉइंट ये हो गया कि स्वास्थ्य मेरी नरमा गर्मी रहेगी, उसके बाद भी मेरे पराक्रम में कमी नहीं रहेगी क्योंकि सूर्य पराक्रम के भाव पर ही रहेंगे।
स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, भगवान सूर्य को जल अर्पण करना, भगवान सूर्य को प्रणाम करना, इस सूर्य की नीच अवस्था में भी आपको सफलता के श्रेष्ठ मुकाम तक पहुंचा जाता है। अगला परिवर्तन होता है मंगल का, और यहाँ पर मंगल भी नीच के आ रहे हैं। डेट होगा 20 अक्टूबर सन 2024 का दिन, जिस दिन मंगल भी नीच अवस्था पर आएंगे। चल रहे हैं अभी तो आपके इनकम भाव पर चल रहे हैं, उसके बाद ये आ जाएंगे एक घर आगे, जो कि स्थान है खर्चे का स्थान। अब खर्चे के स्थान पर मंगल का आना, और ये मंगल है आपके भाग्य के मालिक, तो जो लोग पहले से खर्चे से परेशान हैं, अब यहाँ पर मंगल आ रहा है तो ध्यान रखना होगा अपने खर्चों के लेन देन पर। जो लोग विदेश शिफ्ट होना चाहते हैं या विदेश संबंधी काम करना चाहते हैं, उनके लिए मंगल अनुकूल भी रहेगा। चूंकि ये नवम के स्वामी हैं, नवम के स्वामी द्वादश भाव पर जा रहे हैं, तो इस समय पर दान इत्यादि करना आपके लिए अनुकूलता को सिद्ध करेगा। हनुमान जी पर लाल सिंदूर अर्पण करना इस मंगल के दुष्प्रभाव से हमको बचाता है। और वैसे भी भाग्य भाव पर अभी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है, अर्थात भाग्य की उन्नति तो लाजमी है, भाग्य तो हमारा साथ देता है। कुछ लंबे दूरी की यात्राओं का योग भी आपका बन सकता है। इस हिसाब से अगर पूरे इस महीने को समझा जाए तो शनि का साथ हमें अच्छा मिलता है, और सबसे बड़ा प्रभाव मिलेगा देवगुरु बृहस्पति का। जहाँ पर न्यूनता और कमी देखने को मिल रही है तो सूर्य और मंगल का। तो इसलिए गुड़ और रोटी गौ माता को ग्रास कराइएगा, गेहूं और गुड़ लेकर के आप दान भी कर सकते हैं किसी मंदिर में, और खासकर मंगलवार के दिन लाल सिंदूर हनुमान जी को अर्पण कीजिएगा, क्योंकि लाल सिंदूर मंगल का तत्व है और मंगल नीच के हो रहे हैं। तो हम यदि हनुमान जी महाराज पर लाल सिंदूर अर्पण करते हैं तो हमारे कामनाओं की सिद्धि होती है। हनुमान को खुश करना आसान होता है, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। और इसी प्रकार ये अक्टूबर का महीना एक ऐसे न्यू, एक ऐसे बेस का समय रहेगा जिसका प्रभाव हमको लंबे अवधि तक भाग्य का साथ और कैरियर के उन्नति के रूप में देवगुरु बृहस्पति हमको दिला रहे हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।